तो गाइस मैं अनूप सिंह, दिखाते हैं लग्जरी होम है, बहुत ही बड़ा घर है, किस टाइप से फर्नीचर किया गया है दिखाते हैं। मास्टर रूम में अपन चलते हैं और बाद में अपन चलेंगे किचन में, आपको डिटेल में बताएंगे। आप अभी देख सकते हैं कबाड़ का ही देखते हैं अपन सीधा ही गेस्ट मास्टर रूम में। तो कैसा है ये पूरा कबाड़ है, और हमने ये कबाड़ के ऊपर लॉफ्ट है, ये विदाउट हैंडलिंग किया है, स्टोरेज ऊपर हो गया और मतलब इसको हैंडल नहीं दिए हमने, ऐसे चैम्पर किया है तो इजीली आप खोल सकते हैं। और नीचे ये डोर है, बड़े हैंडल लगाए गए हैं, और ये ड्रावर है, इसमें आप इजीली सामान रख सकते हैं, जैसे सेल्फ में रखने को नहीं होता है। ये सॉफ्ट क्लोज डोर है, ऑटोमेटिकली बंद होता है, और बीच में हमने ये शोकेस दिया है, ग्लास का डोर है ब्लैक, और अंदर लाइट लगा दी गई ताकि थोड़ा बेहतर लुक आए। ऐसे पूरा बड़ा का बड़ा कबाड़ बना दिया तो भरा हुआ दिखता है, तो इजीली आप बीच में कुछ ऐसा करें। अभी ये अपना आ गया वापस वार्डरोब, अंदर की डिज़ाइन आप चेंजेस कर सकते हैं ऐसे अलग अलग, और इसमें भी अंदर तो सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। अब बाहर से डिज़ाइन जितनी बेहतर हो सके वैसी बेहतर बनाएं, हमने पूरी दीवार पे वार्डरोब बना दिया है। ये इस साइड में अंदर से इस टाइप से है, और अंदर फैब्रिक कलर लेमिनेट दिया है हमने। तो ये कुछ मास्टर रूम का था, और इसी के सामने हमने देखा था सामने का क्या है, स्टडी टेबल और ड्रेसिंग टेबल है। तो ये स्टडी टेबल भी हो गया, और बुक लेफ़्ट साइड में अपना ये ड्रेसिंग टेबल है, मिरर है, मिरर के पीछे भी स्टोरेज है, और ये ऊपर बुक बॉक्स है, और ये डोर खुलता है, अंदर आप स्टोरेज भी रख सकते हैं, और ओपन भी बॉक्स कुछ रखने चाहिए ताकि ये लोग बेहतर दिखे। ये कीबोर्ड हो गया, और दो साइड में ड्रावर्स हो गए छोटे छोटे। तो चलते हैं, चलो आपको बेसिन भी दिखा देते हैं। इजीली कवर किया है हमने, बस कुछ खास नहीं, बट ऐसे कवर कर सकते हैं। चलते हैं हॉल में, हॉल का व्यू दिखाते हैं, देख सकते हैं भरपूर खुला है, एकदम मस्त खुला ही खुला है, हमने ज़्यादा कुछ भरा नहीं है इसको, बस उस हिसाब से किया है कि भाई कम बजट है तो भी अच्छा मस्त लगे कि फर्नीचर किया है। ये देखो एंट्री करते ही हमने ऐसा शोपीस बनाया है अपना, एंट्री करते ही अब राउंड मिरर है, और मिरर के पीछे राफ्टर सीट लगा दी, और एक बॉक्स लगा दिया ताकि यहाँ पर लैंप वैम्प कुछ रखोगे तो बेहतर दिखेगा। और यहीं पर शोकेस फिलर खड़ा कर दिया है हमने लकड़ी का बना के, और इसको लोहे की कोटिंग किया है, ऐसा पेंट किया है गोल्डन, इसमें आप रैंप राप आप रखोगे तो अच्छे दिखेंगे, मतलब उस टाइप से और नहीं लगेंगे। और ये पेंट्री यूनिट बना दिया हमने, जो किचन के बीम के जितना ही साइज़ था, किचन का एंट्री गेट लंबा था तो इसको कम किया, तो स्टोरेज भी हो गया है और बेहतर दिखता है, मतलब एक उसी साइज़ का और किचन का एंट्री कम हो गया और स्टोरेज भी हो गया साथ में। ये आपका किचन, तो दोनों साइड किचन है। ये बिकर बास्केट है, इसमें सब्ज़ी और फ्रूट वर्आउट रख सकते हैं, हवा लगे इजीली, तो इसे बिकर बास्केट बोलते हैं। और ऊपर ये प्रोफाइल डोर है, फ्रूटेड ग्लास लगाया गया हमने, तो फ्रूटेड में कैसा है अंदर का दिखता नहीं है, जैसे इस ग्लास में अंदर का कुछ आपको स्टोरेज नहीं दिख रहा है। वापस ऊपर और हेड लॉफ्ट हो गई, ये आपका ऊपर भी स्टोरेज हो गया है इजीली, तो इस हिसाब से कुछ ये। और इधर किचन का नीचे का है, देख सकते हैं बीच में पार्सन डाल दिया हमने, तो ईजिली आपका स्टोरेज हो गया। और ये वापस इधर ड्रावर आ गए, फुल स्टोरेज आ जाएगा इसके अंदर। और ड्रावर के अंदर तो आपको पता है, ये दो रखो या बड़े बड़े तीन रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और रेगुलर जैसे नीचे का ड्रावर होता है वैसे क्या है। तो ये अपना ड्रावर है, इसमें मेन बात है कि हैंडल जैसे आपको नहीं दिख रहे, ये गोला हैंडल लगे हुए, हैंडल फिक्स है और शटर बाहर निकलता है। और ये एक्रोगार्ड का हो गया बॉक्स, इसके अंदर आरो आएगा। और अपना किचन के पीछे भी स्टोरेज था थोड़ा, तो उसको थोड़ा बहुत स्टोरेज कर दिया है, तो किचन में फुल स्टोरेज हो गया है। चलते हैं आपको बाहर का दिखा देते हैं व्यू कि पूरा चलता है। टीवी नीट देख सकते हैं, फॉल सीलिंग एकदम प्लेन ही किया है, ज़्यादा जिग जाग नहीं किया है तो बेहतर दिखता है। अभी टीवी नीट है, ये आपको ओपन बॉक्स मिल गया है, इसमें शो पीस वगैरह रख सकते हैं। और मार्बल सीट आ गई, इसके पीछे भी मार्बल सीट है बट आगे लिया है पैनल ताकि पीछे से LED लाइट हो। और ये सेटअप बॉक्स के लिए बॉक्स ग्लास का लगाया है ताकि इसके अंदर वायरिंग वगैरह दिखे ना और अंदर ही रहे। और साइड में ड्रावर हो गया स्टोरेज के लिए, टीवी नीट को दोनों, बस कुछ इस तरीके से था। और वीडियो अच्छी